नमस्कार, स्टडी जोन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर्स फरवरी 2018 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे नए चैनल स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसे नया पुलिस जिला घोषित किया है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा सरकार ने मानेसर, जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है, को एक नया पुलिस जिला घोषित किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में टोटल कितने पुलिस जिले हैं, तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा में टोटल 24 पुलिस जिले हैं। इन 24 पुलिस जिलों में 22 तो जिले और इनके अलावा हांसी और मानेसर है। अगर आपसे पूछा जाए मानेसर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, तो मानेसर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला डिजिटल पोस्ट ऑफिस कहां पर बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा का पहला डिजिटल पोस्ट ऑफिस गुरुग्राम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने एक पहल शुरू की है जिसमें आम आदमी भी प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस पहल का क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा, इस पहल का नाम है एक और सुधार। हरियाणा सरकार ने एक ईमेल आईडी और एक हेल्पलाइन शुरू की है। इसका औपचारिक उद्घाटन होना अभी बाकी है। हेल्पलाइन और ईमेल पर कोई भी व्यक्ति हरियाणा की व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। सुझाव पसंद आने पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे हरियाणा में उसे लागू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और सुधार परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, एक और सुधार परियोजना का निदेशक रॉकी मित्तल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह साइकिलिस्ट जिसने सबसे कठिन 1400 किलोमीटर की इंडो नेपाल ट्रांस बॉर्डर राइड को तय समय में सफलतापूर्वक पूरा किया, तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा का वह साइकिलिस्ट है निशांत मेहता। अगर आपसे पूछा जाए निशांत मेहता का संबंध कहाँ से है, तो निशांत मेहता का संबंध हिसार से है। निशांत मेहता ने 108 घंटे में यह राइड पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किस उपलब्धि के कारण अपना नाम दर्ज करवाया है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा पुलिस ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सड़क सुरक्षा के विषय में अपना नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी राष्ट्रीय ब्लाइंड एंड पैरा जूडो चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें आंसर आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा चौथे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 32वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा में 32वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का आयोजन 2 फरवरी से 18 फरवरी तक किया गया। इस मेले का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इस वर्ष इस मेले की थीम के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री व यूपी के मुख्यमंत्री ने दोनों राज्यों के बीच बस सेवा शुरू की है, ये बसें कितने मार्गों पर चलेगी? तो इसमें आंसर आएगा, ये बसें 256 मार्गों यानी 256 मार्ग पर चलेगी। हरियाणा की 423 बसें हैं व यूपी की 522 बसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हरियाणा में कितने मकान बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा ने 53,000 यानी 53,000 मकान बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की है। इस प्रस्ताव के अनुसार
53,000 मकान राज्य के 38 शहरों में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 16 से 18 मार्च तक तीसरा कृषि शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा तीसरा कृषि शिखर सम्मेलन रोहतक में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए फोर्ब्स इंडिया ने 30 अंडर 30 यंग अचीवर्स के लिए भारतीय हॉकी टीम की गोलकीपर व हरियाणा की हॉकी प्लेयर को चुना है, इस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा इस खिलाड़ी का नाम है सविता पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य में पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में कहां पर इसका आयोजन किया गया, तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा के गुरुग्राम में व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में पहली बार कलर साइंस और तकनीकी टेक्सटाइल की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में होगी? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा प्रदेश में पहली बार कलर साइंस और तकनीकी टेक्सटाइल की शिक्षा दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सोनीपत में दी जाएगी। इसमें इस इन विषयों में एमटेक करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व वाले गांव में एक बार फिर उत्खनन शुरू किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा कुनाल गांव में एक बार फिर से उत्खनन शुरू किया जा रहा है। कुनाल गांव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इस पुरातात्विक साइट पर होने वाली खुदाई से इस बात की तस्दीक की जाएगी कि हड़प्पा पूर्व अथवा हड़प्पाकालीन सभ्यता की वास्तविक उम्र क्या है। 6,000 वर्ष पुरानी सभ्यता के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को लाभ देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसमें आंसर आएगा किसानों को लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने गोबर धन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गोबर और खेतों के बेकार या इस्तेमाल में न आने वाले उत्पादों को कंपोस्ट, बायोगैस या बायो सीएनजी में बदल दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य गाँव को स्वच्छ बनाना और पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित करना है। इससे धन और ऊर्जा जनरेट करना है। भारत में मवेशियों की आबादी लगभग 30 करोड़ है और गोबर का उत्पादन प्रतिदिन लगभग 30 लाख टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स कैब योजना की शुरुआत कहां पर की गई है? तो इसमें आंसर आएगा मैक्स कैब योजना की शुरुआत हरियाणा के मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में की गई है। मोरनी पहाड़ी क्षेत्र पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। हरियाणा सरकार ने मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक नई पहल शुरू करते हुए स्कूली बच्चों के लिए निशुल्क कैब की यातायात सुविधा प्रदान की है। प्रोमिस प्रोजेक्ट यानी प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के किस जिले का चयन हुआ है? तो इसमें आंसर आएगा प्रोमिस प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के करनाल जिले का चयन हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने देश के 4 शहरों में प्रोमिस प्रोजेक्ट नाम शुरू किया है। ये 4 शहर हैं हरियाणा का करनाल, तेलंगाना का वारंगल, राजस्थान का अजमेर और मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार प्रणाली के तहत ई नेम पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश की कितनी मंडियों को चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा राष्ट्रीय कृषि प्रणाली के तहत ई नेम पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश की 4 मंडियों को चुना गया है। ये 4 मंडियां हैं चरखी दादरी, करनाल, सोनीपत और सफीदो। सफीदो डिस्ट्रिक्ट जींद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो इसमें आंसर आएगा किंगडम ऑफ ड्रीम्स पर्यटन स्थल हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा सरकार किंगडम ऑफ ड्रीम्स को अब नए सिरे से लीज पर देने के लिए ग्लोबल टेंडर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज एशियन यूके का खिताब किसने जीता है? तो इसमें आंसर आएगा मिसेज एशियन यूके का खिताब दीपिका नंदवानी ने जीता है।
दीपिका नंदवानी का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है। दीपिका नंदवानी ने इंग्लैंड में रहते हुए मिसिज एशियन यूके का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चाइना दोनों तरफ से फतह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चाइना दोनों तरफ से फतह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही है अनीता कुंडू। उकलाना के फरीदपुर गांव की रहने वाली है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू अब सातों महाद्वीप की सेवन समिट को फतह करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा सरकार ने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रख दिया है, या हरियाणा इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस मल्टीनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2017-18 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसमें आंसर आएगा, मिस मल्टीनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2017-18 का आयोजन किंगडम ऑफ ड्रीम गुड़गांव में हुआ। किंगडम ऑफ ड्रीम गुड़गांव का एक पर्यटन स्थल है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस मल्टीनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2017-18 का खिताब किसने जीता? तो इसमें आंसर आएगा, मिस मल्टीनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2017-18 का खिताब मिस फिलीपींस सोफिया सिनोरोन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय नेशनल स्टाइल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, अखिल भारतीय नेशनल स्टाइल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 21 फरवरी तक जींद के एकलव्य स्टेडियम में किया गया। इस चैंपियनशिप का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा एग्रो सोलर सिस्टम लगाएगा? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा एग्रो सोलर सिस्टम लगाएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा में एग्रो सोलर सिस्टम किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि कृषि योग्य भूमि पर बिना फसल को नुकसान पहुंचाए यह काम करता है। जमीन से 15 फीट ऊपर पिलरों के माध्यम से इसको लगाया जाता है। पिलर और उसमें लगने वाली प्लेट सिस्टम को इस प्रकार लगाया जाता है कि पौधों को बारिश का पानी, धूप वह हवा मिलती रहे। इसको लगाने के बाद फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगढ़ सिक्स स्टेट कैपिटल बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसमें आंसर आएगा, लोहगढ़ सिक्स स्टेट कैपिटल बुक हरजिंदर सिंह दिलगीर, गगनदीप सिंह और गुरविंदर सिंह के द्वारा लिखी गई। इसको सीएम खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया और हरियाणा एकेडमी ने इसको पब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बंदा सिंह बहादुर गेट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा, बाबा बंदा सिंह बहादुर गेट शाहबाद में बनाया जाएगा। यह शाहबाद के बराड़ा रोड पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में ट्रंप टावर का निर्माण होगा? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले में ट्रंप टावर का निर्माण होगा। हाल ही में मुंबई में 78 मंजिल की ट्रंप टावर का उद्घाटन किया गया है। यह मुंबई की सबसे ऊंची 800 फीट ऊंची इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र चौदस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा, चैत्र चौदस मेले का आयोजन सरस्वती तीर्थ स्थल पियोवा कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। यह 11 से 17 मार्च तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में मूक बधिर वह नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए कॉलेज खोला जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में मूक बधिर व नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए कॉलेज खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन कहाँ पर बना है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन पानीपत में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी सरकारी काम हिंदी भाषा में करने के निर्देश दिए हैं? या आप बोल सकते हो कि सभी सरकारी काम हिंदी भाषा में किस राज्य में किए जाएंगे? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है?
तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में हरियाणा के कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो इसमें आंसर आएगा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में हरियाणा ने कुल 38 यानी 38 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में पहले भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इसमें आंसर आएगा गुरुग्राम में पहले भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही स्टडी जोन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी जोन के साथ साथ स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब्स चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। आप यूट्यूब के साथ साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।